आज मैं अपने चैनल में आप लोगों के लिए व्रत स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ, जो बहुत ही टेस्टी है। आपको देख के ही पता चल रहा होगा कि क्या रेसिपी लेके आई हूँ। ज़रूरी नहीं है कि व्रत में जब भी खाएं तो भाई पेड़ा खाएं या बर्फ़ी खाएं। मान लीजिए किसी की बर्थडे पड़ जाती है, एनिवर्सरी पड़ जाती है, कोई पार्टी है, तो पेड़ा और बर्फ़ी खाना ही अच्छा नहीं लगता है। तो क्यों ना हम गुलाब जामुन बनाएं, इस पार्टी में इंजॉय करें, और वो भी व्रत वाला गुलाब जामुन बनाएंगे। अब आप कहेंगे कैसे बनेगा, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। आज मैं आलू से गुलाब जामुन बनाऊँगी। तो इसके लिए पहले शीरा तैयार करते हैं। गैस मैंने भगोना चढ़ा दिया, इसमें 1 कप चीनी डाला और 1/2 कप हम इसमें पानी डालेंगे। इसमें 2 इलायची डाल देंगे, 2 छोटी इलायची हम तोड़ के डाल दी हैं। हमने खड़ी डाला, आप चाहे तो अब इसको कूट कर उसका पाउडर बना के भी डाल सकते हैं। तो हमने 2 इलायची डाल दी है। अब इसको हम चलाते हुए चीनी को मेल्ट होने देंगे और चाशनी बनने देंगे। तो चाशनी तेज आँच में रखेंगे, बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाएगी। उनको बहुत ज़्यादा इसमें बहुत चिपचिपी या 1-2 तार की एक तार या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है, और इतना बनाना है कि चिपचिपा हो जाए। तो देखिए हो गया, हम इसको ज़रा टेस्ट करके देखेंगे। इसमें हमने केसर के 7-8 धागे भी डाल दिए हैं, ये ऑप्शनल। अगर आपको पसंद हो तो डालिए, नहीं डालना तो स्किप कर दीजिए। इससे कलर अच्छा आ जाएगा और फ्लेवर भी अच्छा होता है। इसको चलाते हुए पकाएंगे। ऑलमोस्ट मेरी तैयार हो गई, लेकिन इसको देखेंगे चेक करके। तो अभी मैंने थोड़ा सा कसर बाकी, तो मैं थोड़ा सा 1 मिनट और पकने देंगे। उतना अच्छा नहीं हुआ अभी, 1 मिनट और करेंगे तो बस मेरा हो जाएगी, रेडी हो जाएगी, बनके तैयार हो जाएगी चाशनी। एक बार इसको फिर से चेक कर लेते हैं। देखिए बस मुझे इतनी ही चिपचिपी चाशनी चाहिए, बहुत तार हमको नहीं बनाना है, क्योंकि तार जगह तो सीरा अंदर अच्छे से जॉब नहीं करेगा अपने अंदर। तो हमको क्या है कि आलू बना रहे हैं तो अच्छे से सीरा उसके अंदर आलू अच्छे से पी ले सीरा को, इसलिए हमको उसको चिपचिपी बस बनाना, ज़्यादा नहीं बनाना है। तो ये मैंने 3 बॉयल आलू लिए, पहले से बॉयल कर लिए। अब इसको हम ग्रेट कर लेंगे। अब इसको हाथ से फोड़ के बना लेंगे। हाथ से फोड़ने क्या उसके लम्ब्स रह जाते हैं, ऐसे ग्रेट करने में एकदम चिकने आलू रहेगा, इसलिए हम इसको ग्रेट करेंगे। और ग्रेट आसानी भी रहता है, फटाफट ग्रेट हो जाता है। जो तो बहुत मोटे वाले से नहीं करना, बहुत महीन वाले से भी नहीं करना, जो मीडियम होता है उससे हम मीडियम वाले छेद से ग्रेट करेंगे। तो ये हम 2 आलू करेंगे, 1 आलू नहीं करेंगे, मुझे बहुत ज़्यादा नहीं बनाना है। तो सिर्फ 2 आलू को ग्रेट कर लेंगे। ये देखिए आलू ग्रेट हो गए, इसको अलग रखेंगे। अब गैस पे हम एक फ्राई पैन चढ़ाएंगे, उसमें हम दूध डालेंगे। तो 2 आलू के लिए ये 1/2 कप हमने दूध लिया है, सॉरी 1/2 ग्लास दूध है। इसको हम पहले बॉयल करेंगे। तो यदि आपके पास बॉयल दूध है तो आप उसको ऐसे ही करके गर्म करके बना सकते हैं, लेकिन हमने कच्चा दूध लिया, फुल फ्लैट क्रीम दूध लीजिएगा। इसको डाल के हम इसको बॉयल करेंगे। तो यदि आप लोग अभी नए नए, जब तक मेरा दूध बॉयल हो रहा है तब तक फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आप लोग नए नए जुड़े तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा, बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। इधर जो क्या मेरी वीडियो काफ़ी लेट आ रही है, क्योंकि मैं थोड़ा घर के कुछ काम थे जिसके कारण मैं वीडियो बना नहीं सकी, बहुत काफ़ी लेट हो गया है। तो मैं आगे भी ऐसी तरह व्रत की रेसिपी, नई रेसिपी लेके आऊँगी आप लोगों के लिए, ज़रूर देखिएगा। तो नोटिफिकेशन पर ज़रूर दबा दीजिएगा। तो ये देखिए बॉयल शुरू हो गया है दूध का। अब इसको हम चलाते हुए पकाएंगे, जिससे कि दूध नीचे लगे नहीं, और जो साइड में लगता जाएगा उसको मैं छुड़ाते जाऊँगी और दूध में मिक्स करती जाऊँगी। जब इसको बना के देखेंगे ना, तो कमेंट द्वारा प्लीज़ कमेंट करा करिए, कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा कि आलू के गुलाब जामुन आलू को कैसे लगे। बहुत ही टेस्टी बनते हैं और अच्छे भी लगते हैं। थोड़ा तो डिफरेंट होगा, मावा के गुलाब जामुन और आलू के गुलाब जामुन में थोड़ा तो डिफरेंट हो गई,
लेकिन बहुत टेस्टी लगती हैं और हमेशा वही खाने से बर्फी और पेड़ा खा के नहीं अच्छा लगता है। कोई आए घर में, कोई पार्टी हो कुछ भी, तो आप गुलाब जामुन बना सकती हैं, सभी को बहुत पसंद आएगा, घर में आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। पसंद आया, अच्छा लगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा कि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें इस रेसिपी का। दूध देखिए काफ़ी गाढ़ा हो चुका पहले से। अब मैं कुछ नया नहीं करती, मैं जो भी रेसिपी बनाती हूँ वो वीडियो फ़ोटो भी वही डालती हूँ जो मैं बनाती हूँ। ये नहीं आप लोगों की फ़ोटो किसी चीज़ दूसरी चीज़ के दूसरे डाल दूँ और रेसिपी दूसरी बन रही, अंदर दूसरा बन रहा, ऐसा कुछ नहीं। मैं जो बनाती हूँ उसी की फ़ोटो डालती हूँ, तो जो बनाएंगे गुलाब जामुन आपको वही फ़ोटो आपको दिखाई देगी थंबनेल में। देखिएगा ठीक हो गया काफ़ी, मुझे बहुत ज़्यादा एकदम मावा जैसा नहीं बनाना है, बस थोड़ा सा दूध को ठीक करना है। तो आप लोगों को पता चल रहा होगा कि जितना दूध मैंने डाला था उससे ठीक हो गया, गाढ़ा भी हो गया दूध मेरा। तो दूध को ऐसे देखेंगे तो आप 250 ग्राम दूध है, आधा गिलास मैंने लिया था, एक गिलास होता है, आधा गिलास दूध मैंने 250 ग्राम दूध लिया। अब ये दो मैंने आलू जो ग्रेट करके रखे थे इसमें मिक्स कर देंगे। अब इसे दबाते हुए मसलते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे दूध दूध के साथ। देखिए सब दूध मिक्स हो रहा है, बस मुझे ऐसे दबाते दबाते कहीं भी अगर लम्स नहीं, कहीं भी आलू का ठीक मोटा नहीं रह जाए, एकदम लम्स ना रहे, इसलिए मुझे ऐसे से मसलते हुए दूध के साथ मिक्स करना आलू को, इसको गाढ़ा करते जाना है। देखिए ठीक होने लगा ना पहले से, मुझे थोड़ा सा भी और ठीक करना है। जब ये डो जैसा बनने लगेगा हमको इतना ठीक करना है, ऐसे मसलते हुए लगातार चलाते हुए हम इसको ठीक करते जाएंगे। देखिए अब डो जैसा बनने लगा तो हम इसको एक चम्मच देसी घी डाल देंगे जिससे सॉफ्ट भी हो जाएगा और कढ़ाई फ्राई पैन चपकेगा ना अच्छे से, एकदम सॉफ्ट हो जाएगा, चिकना हो जाएगा। तो आलू है तो अभी थोड़ा चिपक रहा है, ठंडा हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा, एकदम सॉफ्ट। देखिए डो जैसा बन गया है, अब इसको हम निकाल लेंगे। ये मैंने गैस पर से उतार लिया है, अब इसको एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे। इसको ठंडा होने देंगे, आप चाहे तो फ्रीजर में रख के भी ठंडा कर सकती हैं, लेकिन हम इसको ऐसे छोड़ दे रहे हैं 10-15 मिनट की, ठंडा हो गया। अब इसमें हमने आधी चम्मच इलायची का पाउडर डाल दिया है, छोटी इलायची का, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये ऐसा ही रहेगा, हमको इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा बहुत ठीक एकदम जैसे डो होता आटे का इस तरह नहीं बनेगा, लेकिन जब इसको हम बना के तलेंगे तो ये एकदम सॉफ्ट गुलाब जामुन बन के रेडी हो जाएगा। देखिए अच्छे से मिक्स हो गया, हम इसको छुड़ा लेंगे। इसे मिक्स करेंगे, आप इसे ज़रूर बनाइएगा, एक बार बना के ज़रूर खाइएगा, जिससे आपको पता चले कि आलू के गुलाब जामुन कैसे लगते हैं। तो बनाइएगा ज़रूर, कमेंट द्वारा हमें बताइएगा कि आप लोग को कैसा लगा। आज से पहले आपने कभी आलू के गुलाब जामुन खाए नहीं होंगे, ना किसी ने आपको खिलाए होंगे, ना आपने चैनल में देखे होंगे, यूट्यूब में भी किसी ने अभी इससे पहले आलू के गुलाब जामुन बनाए नहीं। मैं पहली बार आप लोग को बना के दिखा रही हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा। हाँ तो मैंने देसी घी लगा लिया है थोड़ा सा, जिससे वो चिकना हो जाए, बनाने में आसान हो उनको। तो थोड़ा थोड़ा लेके हम गोल करेंगे,
तभी आपको लग रहा होगा कि बहुत सॉफ्ट है, ये ख़राब हो जाए, लेकिन जहाँ ये जब आप इसको तलने लगेंगे, फ्राई करेंगे, तलने लगेंगे ना, डीप फ्राई करेंगे, तो ये एकदम अच्छे से जैसे गुलाब जामुन होते वैसे ही बनेंगे। अभी क्योंकि आपको लग रहा है कि गीले गीले हैं, सॉफ्ट बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऐसे बनने के बाद बहुत अच्छा अच्छे बनेंगे, टेस्टी बनेंगे और एकदम वैसे ही बनेंगे जैसे गुलाब जामुन होते हैं। तो सारा ऐसे बना लेंगे, आपको चिपचिपा लगे तो आप देसी घी लगा लीजिए। जैसे एक बार हाथ में लगा लेंगे, देखिए बार बार नहीं लगा रहे, एक बार लगा लेंगे तो हो जाएगा, लेकिन यदि आपके हाथ में चिपक रहा है तो दोबारा भी देसी घी लगा सकते हैं। अब 4 महीने बना लें तो फिर थोड़ा सा देसी घी लगा लिए, उसे चिकने बनेंगे। और ये मैंने बना लिया, इसको हम 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। इधर मैंने गैस पर चढ़ाई कढ़ाई चढ़ा के ऑयल को गर्म कर लिया है। अब फ्रीज़र में से मैंने निकाल के बस सीधे इसमें डालते जाएंगे। फ्रीज़र में रखने से क्या, जो सॉफ्टनेस थी उसकी, वो थोड़ा सा हार्ड हो जाएंगे, बनाने में आसान रहेंगे। मैं सारे डाल दूंगी। तो मैंने जितने बनाए थे उसमें सारे डाल दिए, और हमको ज़्यादा इसको छूना नहीं है, हमको घी को, सॉरी ऑयल को ऐसे ऐसे कलछू से इधर उधर करते जाना है। ऑयल को हिलाते जाएंगे हल्का हल्का हाथ से, कलछू से ऐसे करेंगे, पलटना नहीं कि हम कलछू से उठा उठा कर पलट रहे हैं। ऐसे गुलाब जामुन को कभी भी फ्राई नहीं करते, डीप फ्राई नहीं करते हैं, बस तेल को हिलाते जाते हैं ऑयल को, उससे ही होता जाएगा। गैस की फ्लेम मैंने मीडियम रखी, हाई नहीं रखी, हाई मत रखी कि नहीं तो ऊपर की लेयर क्या होगा, जल्दी से जल जाएगी और अंदर कच्चे आपको लगे। ऐसे तो पका लिया है मैंने, लेकिन मीडियम फ्लेम में करेंगे तो अच्छे से हो जाएगा। इसको हिलाते हुए हम गुलाब जामुन के कलर आने तक इसको हम तलेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है। अब इसको हमको तुरंत चाशनी में डालना, तो अगर यदि आपकी चाशनी ठंडी होगी तो उसको गर्म कर लीजिएगा। मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है, ठंडी चाशनी में नहीं डालिएगा, गर्म चाशनी में ही डालिएगा, तो जिससे एकदम सॉफ्ट बनेंगे। अब हम गैस बंद कर देंगे, इसको निकाल के सीधे चाशनी में डालेंगे। गैस की फ्लेम एकदम मैंने लो कर दी थी, बहन देखिए चाशनी भी गर्म है। अब इसको हम सीधे से निकालेंगे, देखिए कितने अच्छे बन के तैयार हुए हैं गुलाब जामुन, इसमें डाल देंगे। तो जो चाशनी को मैंने गर्म के एकदम लो फ्लेम में कर दिया है, और इसको 1-2 मिनट के लिए हम देखिए चाशनी में डाल के इसको गर्म करेंगे। ऐसे ही हमको नहीं रख देना, बस 1 मिनट के लिए हम इसको चाशनी में डाल के गर्म करेंगे, इससे अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेंगे आलू गुलाब जामुन है चाशनी को अपने अंदर। सबके ऊपर डाल दिए, तो एकदम लो फ्लेम में हमने इसको 1 मिनट के लिए पका, चाशनी के साथ पका लिया है। तो जब भी आप किसी को सर्व करिएगा तो गर्म करके ही सर्व करिए, गर्म करने से वो सॉफ्ट एकदम रहेंगे, बहुत ही टेस्टी लगेंगे, तो ज़रूर बना के खाइएगा। अपने कमेंट द्वारा में बताइएगा कि आप लोग को आलू के गुलाब जामुन कैसे लगे, पसंद आएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।